80 के दशक में मध्य प्रदेश के भिंड जिले की चंबल घाटी में डाकू मलखान सिंह एक दुर्दांत नाम था। फोटोग्राफर प्रशांत पंजियार ने मध्य भारत के इस सूखे पथरीले इलाके में पैदल लंबी यात्रा की और देश के कुछ नामचीन डाकुओं की जिंदगी के बारे में काफी विस्तार से लिखा। ज्यादातर डाकू चंबल इलाके में रहते थे, जो पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक पॉल सलोपेक के अनुसार एक दुर्गम उबड़ खाबड़ पहाड़ों और मिट्टी रेत से भरी नदियों वाला इलाका था, जहां ठग लुटेरे हत्यारे और गुंडे भरे थे और जहां हाईवे पर कुख्यात लुटेरे होते थे जिन्हें डकैत कहा जाता था। कई महीनों की कोशिशों के बाद पंजियार और उनके दो साथी पत्रकारों की मई 1982 में डकैतों के सरदार मलखान सिंह से मुलाकात हुई। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी डाकू बिना भय काम कर रहे थे। एक साल पहले ही एक महिला डाकू फूलन देवी तब कुख्यात हो गई जब उन्होंने अपने साथ हुए गैंगरेप का बदला लेने के लिए ऊंची जाति के 22 हिंदुओं की हत्या कर दी थी। लेकिन चंबल में सबसे ज्यादा डर डाकू मलखान सिंह और उनके गिरोह का था। वो पैदल ही चला करते थे और ऊंचे किनारों वाली गहरी संकरी घाटियों में अस्थायी कैंप लगाकर रहते थे। बताया जाता है कि 13 साल के लंबे राज के दौरान मलखान सिंह के गिरोह में करीब 100 लोगों ने काम किया और उनसे मुकाबला करने वाले डाकुओं ने ही उन्हें दस्यु राजा का नाम दिया। 1982 तक पुलिस ने उनके गैंग के खिलाफ 94 मामले दर्ज किए, जिसमें डकैती, अपहरण और हत्या जैसे संगीन मामले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद मलखान सिंह के सिर पर 70,000 रुपए का इनाम था। आज की तारीख में ये रकम करीब 6 लाख रुपए होती। सरकार ने भी उन्हें हथियार डालने के लिए संदेश भेजना शुरू किया। 1982 की भीषण गर्मियों में पंजियार और उनके मित्र कल्याण मुखर्जी और ब्रिजलाल सिंह ने मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार और डाकू मलखान सिंह के बीच मध्यस्थ बने ताकि वो समर्पण कर दें। उन्होंने मलखान सिंह से संपर्क किया। पंजियार कहते हैं, मैंने उनके गिरोह के साथ कुछ दिन बिताए। जब तक कि उनकी तस्वीरें ले रहा था, मैं बंधक बनकर खुश था। धोखा ना हो, इसके लिए मुझे गारंटी के तौर पर वहां रखा गया था। गिरोह से उनकी पहली मुलाकात चंबल में अमावस्या की रात को हुई थी। मलखान सिंह को पंजियार एक लंबे तगड़े हैंडल बार मूछों वाले और संकोची व्यक्ति के रूप में याद करते हैं, जो अमेरिका में बनी सेल्फ लोडिंग राइफल रखा करते थे। वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन अहम वाले व्यक्ति थे जिनका उनके लोगों के बीच सम्मान था। उनके गिरोह में तब करीब 2 दर्जन लोग थे, जो हर रात अपने बहुत थोड़े सामान, बिस्तर, हथियारों, तिरपाल और राशन के साथ जगह बदल लेते थे। वो खुले में सोते थे। एक के पास AK-47, दूसरों के पास कार्बाइन और राइफल थी। पंजियार कहते हैं कि मलखान सिंह की कहानी क्लासिक थी। कथित निचली जाति का एक युवक, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने आत्मसम्मान और आत्मरक्षा के लिए बंदूक उठाई, जो उस पर जुल्म ढाने वाले एक कथित ऊंची जाति के जालिम व्यक्ति से बदला लेना चाहता था। करीब एक हफ्ते में पंजियार ने अपने पेंटैक्स और उधार लिए निकॉन के एक कैमरे से गिरोह की कई तस्वीरें ली। उनमें से कई दुर्लभ तस्वीरें उनकी नई किताब दैट विच इज अनसीन में देखी जा सकती हैं। आखिरकार हजारों लोगों के सामने जून के महीने में आत्मसमर्पण हुआ। मलखान सिंह ने अन्य शर्तों के साथ सरकार को इस बात के लिए भी रजामंद कर लिया था कि उनके किसी साथी को मौत की सजा नहीं दी जाएगी। इंडिया टुडे पत्रिका ने उनके आत्मसमर्पण के बारे में लिखा, वे जीत के नायक की तरह आए, लंबे, दुबले पतले, पुलिस की उस वर्दी में जिसके खिलाफ बरसों तक वो लड़े। उत्तरी मध्य प्रदेश के भिंड शहर में 30,000 की भीड़ के सामने डकैतों के राजा मलखान सिंह के हथियार डालते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोमन विजेता जीत कर आया हो। मलखान सिंह में सेंस ऑफ ह्यूमर ना के बराबर था। जब उनके गिरोह ने आत्मसमर्पण कर दिया तो पत्रकारों ने उनसे हिंदी में कई सवाल पूछे। ऐसा ही एक सवाल था, आपको कैसा लग रहा है? जब मलखान सिंह पंजियार और उनके सहयोगियों से मिले तो भी वो वही पंक्तियां दोहरा रहे थे। आखिर मलखान सिंह और गिरोह के अन्य सदस्यों को उनके उन अपराधों की सजा सुनाई गई जो उन पर लगाए गए थे। उन्हें खुली जेल में भेजा गया, जहां उन सभी ने साथ में कुछ समय बिताया। अब 78 साल के हो चुके मलखान सिंह राजनीति में उतर चुके हैं। हाल के वर्षों में उन्होंने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार भी किया है। 2019 में मलखान सिंह ने कहा था, मैं डकैत नहीं था, मैं बागी था जिसने बंदूक अपने आत्मसम्मान और आत्मरक्षा के लिए उठाई थी। मुझे पता है कि असली डकैत कौन है और ये भी जानता हूँ कि उनसे कैसे निपटना है।